क्या आपने कभी सोचा है हर मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होना क्यों जरूरी है? अपने आसपास देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर चीज कंट्रोल्ड है, फैन के रेगुलेटर से लेके एसी के रिमोट तक, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर ह्यूमन बिहेवियर, बस फर्क इतना है कि आपका अपना रिमोट खुद के नजरिए को रिबूट करने के लिए यूज करा जाता है, जो एक ट्रेंड के नाम पर डोमिनेट करता है आपके स्क्रीन टाइम और इवेंचुअली आपकी आदतों को। वेरिफाइड अकाउंट्स, अनवेरिफाइड अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स, बॉट्स, स्पैमर्स और फेक अकाउंट्स, तो ये किसने सोचा था कि एक इंसान की इतनी सारी पर्सनालिटीज हो सकती है अगर उसे पावर दी जाए तो। 2016 के स्टार्ट्स के हिसाब से जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.43 बिलियन थी तब इंटरनेट यूजर्स 46.1% थे, यानी 3.42 बिलियन, और इसमें मैक्सिमम मोबाइल यूजर्स हैं जिनकी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम। अक्टूबर 2010 केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने लॉन्च किया ये पॉपुलर एप्लीकेशन, जो पहले iOS डिवाइसेस के लिए था, लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी अवेलेबल किया और आज मेजरली हर प्लेटफॉर्म पर है। इनिशियली ये एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन थी, जस्ट लाइक कोई आपको अपनी गैलरी का एक्सेस दे रहा हो इनडायरेक्टली, लेकिन फिल्टर्ड और ब्यूटीफाई करके। ऐसे में वर्चुअल ब्यूटी पार्लर्स, जिन्हें मैच करने होते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सोसाइटी के हिसाब से, बेसिकली इंस्टाग्राम ही पहली ऐसी पॉपुलर एप्लीकेशन बनी जिसने लोगों के विजुअल एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया। बस यही कुछ प्रीमियम यूजेज थी जिसने एक माइंडसेट को एक एप्लीकेशन के टूवर्ड्स चेंज किया और शेप किया हमारा नजरिया आज से पहले नंबर्स को देखने का। ये दुनिया एक सिंगल बाइनरी एलिमेंट से चलती है, नंबर्स ना चाहते हुए भी हमारी सराउंडिंग्स पर इम्पैक्ट डालते हैं, फिर वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। नंबर्स यानी रिवॉर्ड सिस्टम, ये वो चीज है जो टाइम के साथ डेवलप करवाई हुई या फिर अपने आप हुई, लेकिन एक चीज है जो ह्यूमन बिहेवियर में बहुत कॉमन, कॉम्पिटिशन। ये नेचुरल लॉ है कि स्पीशीज आपस में कॉम्पीट करते हैं, जो कि एक मेजर फैक्टर है एवोल्यूशन का। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका मेन फोकस है कि ये एप्लीकेशन ऐसा क्या बेच रहा है जो लोगों का इंटरनेट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लाइफस्टाइल और माइंडसेट, ये दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं अननेचुरल कंपटीशन की तरफ। साल 2023 जहां पे आधार कार्ड से ज्यादा वैलिडेशन सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स की है, घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑनलाइन फ्रेंड्स और वाईफाई की है, फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिंज डेटिंग एप्स और हुकअप्स की है। बेसिकली ये साइकिल चार सेक्टर्स में बटी हुई है। प्रोफाइल, आप कैसे दिखते हो या आप कैसा दिखना चाहते हो, योर ओन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। बायो, आप कैसे प्रिटेंड करना चाहते हो, एग्जाम्पल आउटलाइन ऑफ योर ओन कैरेक्टर, चाहे फिर वो सिग्मा हो, चैड हो या फिर सकलौंडा, ये अलग अलग टर्म्स है आपकी बायो को सिग्निफाई करने के लिए। स्टेटस, ट्वीट्स, स्टोरीज, ये ज्यादातर मेजोरिटी के बेसिस पर होता है। इन शॉर्ट, जहाँ की हवा चली वही चला मैं। पोस्ट, एज परफेक्ट एज पॉसिबल, क्योंकि परफेक्ट लाइफ एक ड्रीम है, और ऑनलाइन ही सही, लेकिन ये ड्रीम पूरा हो रहा है। योर परफेक्ट ऑनलाइन एवेटार इज रेडी, इसमें एस करती है बहुत सारी एप्लीकेशंस, जो बहुत ही क्रिएटिव वे में आपको रिबूट करने देती है अपनी खुद की पर्सनालिटी एक वर्चुअल एवेटार क्रिएट करके, और ये एक की है हमारी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए। ये पार्ट समझने के लिए आपको पहले तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, ब्रांडिंग का रोल, इंटरनेट का इन्फ्लुएंस और वर्चुअल एवेटार। इनमें से दो पॉइंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी इन डेप्थ वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बात में वजन डालने के लिए ब्रांड का होना बहुत जरूरी है, और ब्रांड का एक यूनिक आइडेंटिटी होना और भी ज्यादा। अगर मैं कहूँ कि आप इंटरनेट 5% से भी कम इस्तेमाल करते हो तो क्या आप मानोगे? लेकिन बात आती है कि क्यों वेरीफाइड बैच अब हर कोई नॉर्मली क्लेम कर सकता है सिर्फ 699 रुपए हर महीने देकर। ये वेरिफिकेशन पहले सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस या फिर किसी बिजनेस प्रोफाइल के लिए हुआ करता था, लेकिन अब रेडीली अवेलेबल है सबके लिए। लाइफस्टाइल एप्लीकेशन पे हर कोई ये स्टार स्टेटस एक्वायर नहीं कर सकता,
इसलिए ये ईगो बूस्ट करने के लिए एक बहुत स्मार्ट मूव है, जिसकी हमें फिजिकल वर्ल्ड में कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में ये बैज एक पोजिशन होल्ड करता है। लेकिन इधर ब्लू टिक की वैल्यू बनती है उसके इतने टाइम से बनाए हुए परसेप्शन से, ना कि उसकी इमेजरी से। मतलब बेचना ही है तो फिर ईगो को बेचो। आज बच्चे बच्चे को पता है कि ब्लू टिक क्या होता है, और अनलाइक काफी लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करें, फिर भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम सबको वेरीफाइड अकाउंट्स चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू ओन एनी अदर ब्रांडेड स्टफ। यही डिफरेंस है टैंजिबल और इनटैंजिबल इन्फ्लुएंस का। फेसबुक जो इन्वेस्ट कर चुका है भारी मात्रा में मेटावर्स पर, फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लो कि जितना नया आपके लिए वर्ड है, बस यही एक रीजन है मेटावर्स के फ्लॉप होने, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी। तो क्या ये मूव लॉसेस रिकवर करने के लिए है? ये छोटा सा मूव बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह कंज्यूम करता है सोसाइटी की सोच को। इन शॉर्ट, खुद के लिए परसेप्शन रेंट करना बन जाता है एक लौता ऑप्शन अपनी इम्पोर्टेंस को बाहर प्रोजेक्ट करने के। और दूसरा, ये जो सक्सेस का पिरामिड है, इसमें मेजॉरिटी लोग लोअर और मिडिल सेक्शन में रहते हैं और ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है एवोल्यूशन का। लेकिन जब रियलिटी को छोड़कर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एक वर्चुअल वर्ल्ड को, तो यहाँ पे एक आइडिया का जन्म होता है, आइडिया ऑफ लुकिंग सक्सेसफुल एंड नॉट बीइंग। और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप पिरामिड में धीरे धीरे चीजें अचीव कर रहे बाय कंज्यूमिंग देयर प्रोडक्ट्स, जहां पे आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर। We'll be right back.